कुमार जी, सहयोगी के लिए बीमारी हो जाती है और अपने टिकट के लिए जब उनका उम्मीदवार आता है तो वो जग जाते हैं। नीतीश कुमार जी जाएंगे तो गारंटेड बीजेपी की जीत होगी। कुढ़नी में जदयू की हवा निकल गई, ये कहना बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का है। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अति पिछड़ा उम्मीदवार जदयू ने नहीं खड़ा किया है और कहा है सम्राट चौधरी ने कि नीतीश कुमार जो है अति पिछड़ों का हितैती बनते हैं, लेकिन अति पिछड़ा को उन्होंने टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने अति पिछड़ा को टिकट दिया है और इस बार गोपालगंज की तरह फिर से जो है जदयू की हवा निकल जाएगी। वहाँ पर जिस तरीके से गोपालगंज में जीत हुई है और महागठबंधन इस बार फिर कुढ़नी में हार रही है, नीतीश कुमार अपने सहयोगी के लिए बीमार पर जाते हैं, लेकिन अपने लिए वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे, लेकिन जनता उन्हें नकार चुकी है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है तमाम इन मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, जरा उनके बयान सुने। जनता दल यूनाइटेड की हवा निकल गई है और आपको देखने को लगेगा कि जनता दल यूनाइटेड जो अति पिछड़ों के सम्मान की बात करती थी, नीतीश कुमार जी को कहते थे कि मसीहा है, अति पिछड़े के सम्मान को वहाँ गिराने का काम किया। अति पिछड़े के समाज के वहाँ सिटिंग MLA थे, उनको टिकट नहीं दिया। हमने तो अति पिछड़े समाज जो हमारा पहले प्रत्याशी था उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और केदार गुप्ता जो कानू समाज से आते हैं उनको उम्मीदवार बनाने का। तो कुढ़नी में भी गोपालगंज के तरह जहां राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने हराया था, यहां जनता दल यूनाइटेड को हराने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, कल तक तो बीमार थे नीतीश कुमार जी, सहयोगी के लिए बीमारी हो जाती है और अपने टिकट के लिए जब उनका उम्मीदवार आता है तो वो जग जाते हैं, लेकिन ये शुभ लक्षण है, नीतीश कुमार जी जाएंगे तो वहाँ की जनता तय कर देगी कि अब आपका फाइनल विदाई का समय है। नीतीश कुमार जी जाएंगे तो गारंटेड बीजेपी की जीत होगी। मुकेश सर ने भी आपके हार की बात कर रहे हैं, वो आज चुनाव जीतने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है और सभी वर्गों की लड़ाई लड़ती है। अति पिछड़े के समाज के कल्याण के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, हम आगे भी अति पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो विश्वास दिखाया अति पिछड़ा ने, आगे भी दिखाता ही रहेगा। गोपालगंज की तरह वैसी की पार्टी भी वहाँ कैंडिडेट खड़ा की है, उससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? देखिए, स्वाभाविक है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर उनके 4 MLA तोड़े हैं, तो उनको तोड़े हैं तो उनका जवाब वो देंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह राजनीतिक धर्म परिवर्तन किया है, अब बिहार में इनसे कोई उम्मीद नहीं है। PFI के दबाव में, लालू प्रसाद जी के दबाव में और सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के जो एक चर्चा करते हैं उसके दबाव में नीतीश कुमार जी का अब रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी अब दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है ISI कहीं ना कहीं अपने पूरी तरह। देखिए, ये देश का सवाल है, देश को मिटने नहीं देंगे, ये तय किया है देश के प्रधानमंत्री। और ये जरूर मैं कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक बिहार भी सुरक्षित रहेगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू की हवा पूरी तरीके से निकल चुकी है और आने वाले समय में जो है जनता उनको जवाब जरूर देगी। जिस तरीके से गोपालगंज में उन्हें जवाब दे चुकी है, उसी तरीके से कुढ़नी में भी जनता उन्हें जवाब दे देगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।